रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर में आयोजित इंडियन एक्रो एंड एक्यूरेसी चैंपियनशिप के समापन अवसर पर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह व नगद राशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर में जल थल व वायु खेलें आयोजित होने से बिलासपुर का सपना साकार हो रहा है। बिलासपुर में आयोजित इंडियन एक्रो एंड एक्यूरेसी चैंपियनशिप के समापन अवसर पर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर में जल थल व वायु खेलें आयोजित होने से बिलासपुर का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर के आयोजन भविष्य में बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर में आयोजित इंडियन एक्रो एंड एक्यूरेसी चैंपियनशिप में हिमाचल समेत देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल, टर्की व ऑस्ट्रेलिया के कुल 57 पैराग्लाइडर पायलटों ने जोर दिखाए। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने बंदला टीक ऑफ पॉइंट से 500 से अधिक उड़ानें भरकर हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए लोगों को मनोरंजन किया। वहीं पंजाब के मुक्तसर से आए सुखचरण सिंह बराड़ उर्फ निक्का ने पावर पैराग्लाइडर के माध्यम से लुहणू मैदान से उड़ाने भरते हुए शहर के ऊपर हवा में शैर की। इसके अलावा इकलौती महिला पायलट के रूप में गुजरात की सुरभि ने भी परिंदों की तरह उड़ान भरी। प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पैराग्लाइडिंग पायलटों महाराष्ट्र के तानाजी ताकबे तथा नेपाल के एलिस थापा व सुवास थापा के निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने हर प्रतिभागी के टेक ऑफ से लेकर एक्रो एक्टिविटी और एक्यूरेसी स्किल को बारीकी से परखा है। एक्रो स्पर्धा में नेपाल के पैराग्लाइडिंग पायलटों का बोलबाला रहा। पहले तीन स्थान नेपाल को मिले। विशाल थापा पहले, युवराज सनावर दूसरे और विजय गौतम तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ 60,000, 40,000 व 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। वही एक्रो स्पर्धा में भी नेपाल के अमन थापा पहले स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में हिमाचल के बिक्की ठाकुर दूसरे और हिमाचल के ऋषि राज तीसरे, सिक्किम के सेन सुकरा बहादुर चौथे व हिमाचल के युद्धवीर ठाकुर पांचवें स्थान पर रहे। उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ 60,000, 50,000, 35,000 और 20,000 व 15,000 रुपए का पुरस्कार मिला। मैं नेपाल से हूँ। मैं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आया विनर। और मेरे को ये जगह बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही झील है, लाइक पोखरा हमारा देश नेपाल, नेपाल में भी सही झील है, बहुत बढ़िया है। उपस्थित सभी बिलासपुर के प्रमुख जनता, मैं आज इस लुणू ग्राउंड से यह कह सकता हूं कि जो सपना बिलासपुर के लोगों ने देखा था और जिस सपने को हम बारंबार कहते थे कि बिलासपुर एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर नभ थल और जल तीनों प्रकार की प्रतियोगिताएं और खेलें अगर हो सकती हैं तो वह हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं, वह बिलासपुर जिला का लुणू ग्राउंड है। आज आपकी ये प्रतियोगिता इसके संपन्न होने के बाद हमने तीनों प्रतियोगिताओं को यहाँ पर पूरा कर दिया है।